असल दोस्तों कैसे हैं आप सब मेरी दुआ है कि अल्लाह जवल आप सबको अपने हिफ़बान में रखे आवीन आमीन और बहुत जल्द आप खाना कबा का दीदार कर सकें और रोज़ रसूल सलील वसम पर हाज़िरी दे सकें तो दोस्तों आज चलते हैं आज के टॉपिक की जानेब सऊदी अरब से बहुत बड़ी न्यूज़ अपडेट आ चुकी है और सऊदी वजारत सेहत के तर्जमान ने साफ साफ बता दिया है तो इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं वो मैं आपसे शेयर आगे चल के करता हूँ तो नए आने वाले दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो सच्ची और अच्छी ख़बरों के लिए बिल लतीफ़ अपडेट्स चैनल देखते रहिए तो दोस्तों ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं सऊदी वजारत के तर्जमान ने वे कह दिया है कि हम किसी भी लॉकडाउन की तरफ नहीं जा रहे हैं लॉकडाउन के अमकान कोसर मुस्रद करते हैं और इन शी अरबिया इस वक्त अपने शहरीों को बार बार ये रिक्वेस्ट कर रही है कि जिनको थर्ड बूस्टर डोज नहीं लगी है दो डोज़ के बाद तीन माह हो गए हैं वो बूस्टर डोज़ लगवाएं और मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें सोशल डिस्टेंस रखें और सऊदी अरेबिया पुर उम्मीद है कि इन शाह एसओपीज़ ओ पीज़ पर जब आवाम अमल करेगी तो हम इस सूरत हाल से बहुत जल्द निकल जाएंगे तो दोस्तों आज एक और तश्वीशना खबर आई है कि कल तकरीबन 1700 केसेस थे सऊदी अरेबिया में और आज 2500 से ज़ायद हो चुके हैं लेकिन इसके बावजूद सऊदी अरेबिया की वजारत से मुतमिन है कि इन शाह तल हम बहुत जल्द काबू पा लेंगे तो वीअर्स इन शह मैं बार बार आपको कहता रहा हूँ पाबंदियाँ ज़रूर लगेंगी एस ओ पीज़ पर अमल करना पड़ेगा लेकिन उम्र और फ्लाइट बंद नहीं होने जा रही तो दोस्तों दुआ कीजिए और मैं भी दुआ करता हूँ कि बहुत जल्द अल्लाह पाक हमें अपने घर बुलाए और अपने घर का दीदार नसीब करे आमीन सुम आमीन मुझे दीजिए इजाजत फी अमान अल्लाह हाफिज